रावण का दोष क्या था? सीता का अपहरण। हम सभी आज रावण के पुतले को जलाने के लिए बहुत ही उत्साहित रहते हैं। हर साल उसके पुत्रों को जलाया जाता है, पर रावण का असली दोष क्या था? उसने सीता का अपहरण किया था। यदि इसी एक कारण से अगर रावण खलनायक हो सकता है तो फिर कृष्ण क्यों नहीं, जिसने रुक्मणी का, और अर्जुन क्यों नहीं जिसने सुभद्रा का भी, और भीम क्यों नहीं जिसने काशी राज की 3-3 पुत्रियों का अपहरण किया। इन्होंने तो गलत कार्य के लिए उनका अपहरण किया था, जबकि रावण ने सिर्फ अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के स्वरूप में सीता का अपहरण किया था, तो वो गलत कैसे हो गया? क्या वह क्रोधी था इसीलिए बुरा हो गया? किसी की बहन की अगर नाक काट दी जाए तो उसके भाई का स्वभाव कैसा होगा? जाहिर सी बात है वह क्रोध में अवश्य आएगा। तो रावण का यह स्वभाव क्या सही नहीं था? उसने जो किया वो गलत कैसे हुआ, जबकि उसने सीता को अपने घर में रखा लेकिन उसे कभी हाथ नहीं लगाया, ना ही उसे कभी जबरदस्ती करने की कोशिश करी, तो वो गलत कैसे हुआ? यदि क्रोध किसी की निंदा का कारण है तो फिर दुष्टों की निंदा क्यों नहीं जलाया जाता हर साल? दुर्वशों की विषय में कालिदास अभिज्ञान शकुंतला अंक 4 में लिखते हैं, सुलभकोशी महिषे, जिसका अर्थ है बात बात पर क्रोधित होने वाला। बात बात पर लक्ष्मण भी तो क्रोधित होते थे, उसी क्रोध में उन्होंने सुपर्णखा का अपमान किया, उनकी नाक काट। क्या ये सही था? रावण का क्रोध करना गलत हो सकता है, पर तो लक्ष्मण का क्यों नहीं? क्या रावण घमंडी था, बुरा था? घमंडी होने से यदि कोई निंदा का इतना पात्र बन सकता है तो परशुराम निंदीय क्यों नहीं, रावण ही क्यों है? रावण की कहानी के लिए कई बातें सामने आती हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं रावण एक ब्राह्मण परिवार से थे, तो वो ब्राह्मण का ही निरादर करते थे, तो एक ब्राह्मण ब्राह्मण के विरोध कैसे हो गया? इस कहानी को जानिए और इसे अंत तक देखें। हम बताते हैं रावण का दोष क्या था, कि वो ब्राह्मण की सत्ता को किसी भी स्वरूप में बर्दाश्त नहीं करता था। वो एक न्यायप्रिय और श्रमिक संस्कृति के समानतावादी सिद्धांतों का पालन करने वाला एक जन्य राजा था, इसीलिए वह बुरा हो गया। और राम अर्जुन या भीम, ये सब नियोग के नाम पर ब्राह्मणीय की नजाजे औलादे थीं, जो ब्राह्मणीय के लिए ही राज करते थे। बहुजन समाज के पुरुष मित्र इतिहासकार रावण को वृद्ध और को राम का प्रतीक बताते हैं। वो ये नहीं जानते कि ऐसा कहकर वह अपनी ही विचारधारा और सही इतिहास को शक्तिहीन कर रहे हैं। पुरुष मित्र और भृद्रुद्र प्रकाशन एक ऐतिहासिक और तथ्यपूर्ण घटना है, जिसको सभी इतिहासकार मानते हैं और जिनके द्वारा हमें ब्राह्मणों के भयंकर पाणचयंत्र द्वारा एक श्रमिक संस्कृति के राजा के अंत का पता चलता है। इस भयंकर दुर्घटना को भुलाया नहीं जा सकता और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। रावण राम वाले प्रकरण को भी इसी में घुसने देने से ब्राह्मण द्वारा एक और समाज को अपने पाणचयंत्रों द्वारा नष्ट कर देना